सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू वन मोर फ्रेश वीडियो ऑफ दिस चैनल। सो इस वीडियो में हम आपसे शेयर करेंगे अबाउट एन अपडेट रिगार्डिंग द कॉर्पोरेटाइजेशन ऑफ द ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड। सो रिसेंटली यूनियन कैबिनेट मिनिस्ट्री ने एक प्रपोजल पास किया जिसमें ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड जो है उसको कॉर्पोरेटाइज कर दिया गया है इंटू 7 सेक्शंस। जो सेक्शंस आती है वो आपके आ जाते हैं एमिनेशन एंड एक्सप्लोजिव व्हीकल्स, वेपन्स एंड इक्विपमेंट, ट्रूप कम्फर्ट आइटम्स, ऑप्टिकल इलेक्ट्रॉनिक गियर, पैराशूट्स एंड एंसिलरी। इन 7 सेक्शंस में ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड को डिवाइड कर दिया गया है। अगर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड की सिचुएशन की बात की जाए तो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड करीबन इसके 41 फैक्ट्रीज थ्रू आउट द नेशन एस्टेब्लिश्ड है। इसके अराउंड जो वर्कर्स आते हैं वो अराउंड 80,000 वर्कर्स इसके अंडर में आते हैं जो कि डायरेक्टली एम्प्लॉयड इसी से, एंड इसका जो हेडक्वार्टर है वो कोलकाता में है। अगर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड की थोड़ी हिस्ट्री की बात की जाए तो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड को फर्स्ट सेटअप किया गया था एट इच्छापुर ऑफ ग्रेटर प्रोविंस बंगाल, एंड इट वॉज एस्टेब्लिश बाई अ डच कंपनी। एंड उसके बाद बहुत सारे जो गन पाउडर फैक्ट्री है इसको बेसिकली गन पाउडर फैक्ट्री नाम दिया गया था उस समय, एंड उसके बाद बहुत सारे गन पाउडर फैक्ट्री को ब्रिटिशर्स ने एस्टेब्लिश किया थ्रू आउट द नेशन। एंड आफ्टर इंडिपेंडेंस द फर्स्ट ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड वॉज एस्टेब्लिश्ड ऑन अप्रैल 2, 1979 बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। एंड उसके बाद ये सबसे बड़ा स्टेप है जिसमें ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड को प्राइवेटाइज कर दिया गया, या मैं कहूँ कॉर्पोरेटाइज कर दिया गया। इसके वजह से जो वर्कर्स हैं उनके ऊपर तो कोई दिक्कत आने वाला है नहीं, वो जैसे अपना काम कर रहे थे वैसे ही अपना काम करने वाले हैं, एंड जो उनको फैसिलिटीज गवर्नमेंट के थ्रू मिलने वाला था वो भी उनको मिलेगा। लेकिन जो क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट्स कुछ डिग्रेड हो रहे थे ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड से, या मैं कहूँ आपके जो बैरल्स होती है या सॉरी जो एमुनेशंस होती है वो थोड़ी सी क्वालिटी उसकी ड्रॉप हो रही थी, जिसकी वजह से ये डिसीजन लिया गया था बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सो एज टू इंक्रीज इट्स एफिशिएंसी एंड टू फुलफिल द नीड्स ऑफ बोथ डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल मार्केट्स। उसके साथ ही आपको अगर कुछ प्रोडक्ट्स में कुछ क्वालिटी कंट्रोल का इशू आता है तो वो डायरेक्टली आप जो इन 7 सेक्टर्स में इस OFB को डिवाइड किया गया उसी में से जिस सेक्शन से ये जुड़ा हुआ है उसी सेक्शन को आप डायरेक्टली एड्रेस कर सकते हैं। पहले ऐसा नहीं होता था, पहले डायरेक्टली ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड को एड्रेस कर दिया जाता था, जिसकी वजह से जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड का जो इमेज है उसमें डिक्लाइन देखने को मिला था। एंड ऑल्सो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड जो है वो इंटरनेशनल मार्केट्स के नीड्स को भी फुलफिल करते हैं, सो उसके वजह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये स्टेप लिया और इसको 7 सेक्शंस में डिवाइड कर दिया। सो गाइज, होप आपको कंसेप्ट अच्छे से समझ में आया होगा।